अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा। मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने अधिकारियों के साथ रीवा विकास खंड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया है। अधिकारियों ने आम जनता से संवाद कर पंचायत चुनाव के संबंध में फीडबैक भी लिया है। अधिकारियों ने ग्राम करहिया नंबर 1 मैदानी दुआरी गुड़हर तथा अगडाल का भी भ्रमण किया है। आयुक्त नगर निगम ने ग्राम करहिया में आम जनता से संवाद करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने में किसी तरह का संकोच ना करें। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। शांतिपूर्वक मतदान तथा मतगणना संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सबके सहयोग से निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न होगा। नगर निगम आयुक्त ने भ्रमण के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया है। उन्होंने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मैदानी कर्मचारियों को मतदान केंद्र में मतदान दलों के ठहरने तथा भोजन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद मतगणना का कार्य देर शाम तक चलता है। बिजली न रहने की स्थिति में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य करवाई जाए। आगामी 3 दिनों में वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है। बारिश से बचाव के लिए भी मतदान केंद्र में उचित प्रबंध करें। भ्रमण के समय SDM हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा विभिन्न थाना प्रभारी एवं मैदानी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।